तीन बित्ता का टिक रखते हैं और 3 किलो मांस खाते हैं के बारे में प्रचार करते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो ये सनातन धर्म का एक भी लक्षण उनके अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। नमस्कार, मैं मिताली और आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह पर जमकर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि तीन बीते की टीक रखते हैं और 3 किलो मांस खाते हैं। और जहां तक बात धर्म की है तो क्या यह धार्मिक है? क्या कुछ कहा है उन्होंने वो सुनिए। समाज में भ्रम पैदा करना चाहते हैं ताकि ये गरीब भ्रम इनके जाल में इनके भ्रम में फंस जाए और जो उनको हक है और उनके हक के साथ हकमारी कर रहे हैं ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जहां तक ये धर्म की बात करते हैं तो क्या धार्मिक है? तीन बित्ता का टिक रखते हैं और 3 किलो मांस खाते हैं और ये धर्म के बारे में प्रचार करते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो ये सनातन धर्म का एक भी लक्षण उनके अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं और अपने विभाग के जरिए उनको जो गरीबों के लिए हक देना चाहिए उससे मुंह मोड़ते हैं और गरीबों को धर्म के लिए उनको प्रेरित करते हैं। ये तो धर्मगुरुओं का काम है, ये पॉलिटिकल आदमी का काम नहीं है। सनातन धर्म के बारे में प्रवचन करने के लिए, कथा करने के लिए धर्मगुरुओं का काम है, ये पॉलिटिकल आदमी और किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर RJD के। तो सुना आपने, श्रवण कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि गिरिराज सिंह ढोंगी है, वह ढोंग करते हैं, उन्हें सनातन धर्म की कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार।